नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले एजेंडे पर। कश्मीर में 44वें दिन भी तनाव जारी। विपक्षी नेताओं के डेलीगेशन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने हिंसा पर जताया दुख, कहा संविधान के दायरे में होगा समाधान। और यूपी की चुनावी बिसात पर कहीं भगदड़ तो कहीं वर्चस्व की जंग। बीएसपी के पूर्व सांसद ने थामा बीजेपी का दामन। तो सपा से नाराज हुए अमर सिंह, बोले फोन नहीं उठाते हैं, सचिव है टकराते, भी इस्तीफे की धमकी। तो आज से दो खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दे की, जहां पर आपको बता दें कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको लेकर के आज विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन जो है प्रधानमंत्री से मिला। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई सारे डेवलपमेंट हैं। इसी कार्यक्रम में शनिवार को आपको बता दें कि हमने जब चर्चा की थी तब भीम सिंह ने कहा था कि उनकी सुनवाई है 22 तारीख को। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले का राजनीतिक हल ही निकल सकता है और हर दिक्कतों का हल जो है वो कोर्ट नहीं निकाल सकती। इसके अलावा शुक्रवार को इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई होगी। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे, लेकिन सबसे पहले जो टिप्पणियाँ आई हैं उमर अब्दुल्ला की तरफ से मुलाकात के बाद, वो जरा सुनते हैं। तमाम अपोजिशन पार्टीज के हवाले से वज़ीर आज़म साहब से बात हुई, एक बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। बड़े इत्मीनान से वज़ीर आज़म साहब ने सबकी बातें सुनी और हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार किया। हमने उनसे वही बातें की जो लगातार दिल्ली आने के बाद हमने हर किसी के साथ की, कि जम्मू कश्मीर का जो मसला और ख़ासकर आजकल जो घाटी में एक सूरत हाल बनी हुई है उसको सही तरीके से समझने तारीखों में सब इस तरह आ जाए और समझने के बाद सही तरीके से उसका इलाज खोज के निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इस बात पे जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो एक सियासी मसला है, वक्तन फवक्तन इस तरह के हालात बन जाते हैं, लेकिन अगर सियासी तौर इनका हल खोज के निकाला नहीं जाता तो बार बार हमसे यही गलती होगी, यही छूट होगी। वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी जगह इस चीज़ को तस्लीम किया है कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही इन मसलों का हल नहीं है। हम यही उम्मीद रखते हुए कि हमारी बातों का थोड़ा सा असर होगा, हम यहाँ किसी के खिलाफ शिकायत या शिकवा लेके नहीं आए, एक फरमान एक गुजारिश लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि उस पर जब अमल होगा तो जम्मू कश्मीर को तो उसका फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन बाकी मुल्क पे भी उसका एक अच्छा असर होगा। यही पैगाम लेके हम यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस ने भी आज इस मुलाकात के बाद टिप्पणी की है। कांग्रेस क्या कुछ कह रहा है, कांग्रेस का भी सुनते हैं। अलग अलग बयान संघ के मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने अल्फाज बदलते दिखाई देते हैं कि जब उन्होंने इन तीन शब्दों का इस्तेमाल किया था उस समय संदेश कुछ और देना चाह रहे थे। 15 अगस्त को जो उनकी तकरीर थी उसका लबो लबाब और था। आज फिर से वो बातचीत की बात करते हैं, तो बातचीत किससे? तो आपको बता दें कि आज जो है जो दल मिला है उसमें जो विपक्षी दलों के नेता मिले हैं उनमें कौन कौन है वो नाम आपको बता देते हैं। आपको बता दें उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गए थे, गुलाम अहमद मीर गए थे कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए, हकीम मोहम्मद गए थे पीडीएफ की तरफ से, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से। इसके अलावा एमवाई तारागमी गए थे सीपीएम से, गुलाम हसन मीर डेमोक्रेटिक पार्टी से गए हुए थे,
इसके अलावा आपको बता दें कि और भी बाकी लोग थे, ये तमाम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। आज कुछ एक बयान भी आए हैं, आपको बता दें महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग जो दिक्कतें कर रहे हैं, कुछ लोगों के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पीछे कश्मीर के हालात खराब बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो सेना है वो बहुत एहतियात बरत रही है, पत्थर फेंकने मारने के बावजूद जो है सेना की तरफ से बहुत एहतियात बरते जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी अपील की लोगों से कि वो अपने बच्चों को सड़कों पर ना भेजें, इस तरह के कामों के लिए प्रोत्साहित ना करें। क्या कुछ स्थिति है, इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। SP सिंह साहब मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आज दो तीन डेवलपमेंट हैं। एक तो आज जो प्रधानमंत्री के साथ, जो पहले राष्ट्रपति के साथ शनिवार को मुलाकात हुई, तब भी हमने चर्चा की थी, आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोगों से बातचीत होनी चाहिए जो कि डेमोक्रेसी संविधान के दायरे में आते हों। इस यहाँ पे जो लोग गए थे उनकी तरफ से कहा गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो तुरंत बंद होना चाहिए। क्या कुछ कैसे देख रहे हैं आज की इस मुलाकात को और आज जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया? देखिए, मैं इसको एक कंटिन्यूएशन मानता हूँ। आपको याद होगा कि पूरे राजनीतिक दलों ने संसद में जिस तरह से बहस की मांग की, और हमको याद नहीं है कि पिछले एक लंबे समय के बाद 8 या 9 घंटे कश्मीर की स्थिति पे चर्चा हुई हो। उस चर्चा से पहले खुद भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लिए वहां गए थे, और वो भी सबसे बातचीत करने के लिए गए थे। और उस वक्त भी ये बात हुई कि साहब सारे लोग हैं, बहुत सारे उसमें व्यापारी हैं, उसमें NGO हैं, उसमें लोकल सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, यूनियन लीडर हैं, उनसे सबसे बात होनी चाहिए, ये वो स्टेक होल्डर हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए ये उमर अब्दुल्ला एंड कंपनी जितने लोग हैं, और ख़ासतौर से उमर अब्दुल्ला का जो परिवार है, शेख अब्दुल्ला से देखें हम, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला एक लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, नेहरू जी के दोस्त रहे, और वो इतने नजदीकी दोस्त थे कि क्या ऐसी वजूहत हुई कि नेहरू जी को उनको जेल में डालना पड़ा गद्दारी के जुर्म में। फारूक अब्दुल्ला आपको याद होगा अटल बिहारी जी की सरकार में भी थे, उमर अब्दुल्ला भी उनकी सरकार में थे। जब उनकी सरकार चली गई तो दोनों UPA में आ गए, और अब इत्तफाक से ऐसे हालात हैं कि बाप बेटे दोनों बेरोजगार हैं। तो उमर अब्दुल्ला को राष्ट्रपति से मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने, और ये कहना कि हमसे भी गलती हुई थी, गलती मान लेनी चाहिए, और जो है वहां कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर जो 3 जिले हैं जहां 5% पॉपुलेशन और पूरे कश्मीर की मात्र 7.5% इलाके के अंदर ये देशद्रोही लोग, ये आतंकवादी लोग, ये पाकिस्तान के पेड एजेंट जिस तरह से माहौल को खराब किए हुए हैं, उनकी पैरोकारी करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। लेकिन आप सूबे के साबिक वजीर आला रहे हैं, आपका परिवार वहां रहा है, आप में क्यों नहीं गट्स पैदा हो रहे कि आप उन इलाकों में ऐलान करें और अपने कारिंदों के साथ वहां जाएं जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां खड़े हो जाएं जाकर के, वहां धरना दें, वहां पे बात करें डेमोक्रेसी की। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये एजेंडा नहीं है। उमर अब्दुल्ला सत्ता से बाहर हैं, किस तरीके से सत्ता के अंदर भागीदारी हो, इसलिए वो PDP के अंदर निशाना साध रहे हैं, इसलिए वो आज बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। इन्हीं की सरकार थी 2010 में, पैलेट गन चले, 120 लोग मारे गए, उस वक्त भी कर्फ्यू था, लेकिन क्योंकि सत्ता का सुख भोग रहे थे इसलिए बहुत सारी चीजों की चिंता नहीं थी। दूसरी एक लाइन बस मैं और कहूंगा कि इसमें एक बड़ी बात हो रही कि इन सब के मिलने के बाद जो प्रधानमंत्री की तरफ से चीजें आई हैं, उसमें यह साफ हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जम्मू कश्मीर के हर उस बाशिंदे से बात करने के लिए तैयार है जो भारत के संविधान में निष्ठा रखती है। अगर तमाम सारे लोग, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, इन तमाम लोगों का एक ही एजेंडा है कि जो लोग इनके बिहाफ पर कश्मीर वैली के अंदर जो आतंक मचाए हुए हैं, ये उन लोगों के ऊपर जो दबाव सरकार का बना है, जिस तरीके से दबाव को बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हुर्रियत नहीं होगी तो उमर अब्दुल्ला की दुकान नहीं चलेगी, लिहाजा ये उन लोगों के व्हाइट कॉलर इंटेलेक्चुअल आतंकवादी हैं जो राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से मिलकर के ऐसे हालात करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के एजेंटों से और भारत विरोधियों से बातचीत करने के लिए मजबूर हो। चलिए, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको बता दें, जो मोटी मोटी बातें कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से इस मुलाकात के बाद। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा यह गया, कश्मीर के मौजूदा हालात से हम दुखी हैं, सरकार और पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ है, हिंसा में मरने वाला हमारा और हमारे देश का
हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाली मौत चाहे वो युवाओं की हो या जवानों की, ये दोनों बातें हमें काफी परेशान करती हैं। उनका सभी राजनीतिक दल, महत्वपूर्ण बात यह कि सभी राजनीतिक दल कश्मीर जाकर वहां के लोगों से बात करें। तो ये जो ऑल पार्टी एक डेलीगेशन भेजने की बात की जा रही थी, उसके बजाय प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के लोग अपने स्तर पर जाएं, वहां के लोगों से मुलाकात करें। उनका राज्य के विकास करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जो भी होगा वो संविधान के दायरे में रह करके होगा। तो इसका जिक्र भी पुष्पेंद्र जी कर रहे थे कि इससे सीधा सिग्नल है कि जो अलगाववादी हैं, जो संविधान में भरोसा नहीं रखते हैं, उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। सभी लोग कश्मीर में शांति बनाए रखें। उपेंद्र जी, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, हम यही मैसेज निकालें कि किसी भी तरीके से जो अलगाववादी हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी? हाँ, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका यही मतलब है कि जो वहाँ कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, कार्रवाई के साथ साथ हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई रोक करके बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात उभर कर आई सामने। दूसरा ये है कि वो बातचीत उन्हीं से करेंगे जो कि संविधान के दायरे में रहकर बात करना चाहते हैं। उससे बाहर अगर कोई बात करने लगेंगे, मतलब उन्हीं से बात करेंगे जो कि समझते हैं कि जम्मू कश्मीर है जो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अखंड हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, वो लोग आएँ और बात करें और बतलाएँ कि कैसे हम जो समस्याएँ हैं वहाँ उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। पैलेट गन की जो चल रहा है, गोलियाँ चल रही है, पैलेट चल रही है, तो उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि ये लोग की मांग है कि उसको रोका जाए। इस पर भी वो चुप्पी रहेगी। चुप्पी मतलब है कि पैलेट गन चलाई जाएगी कि या नहीं चलाई जाएगी, ये प्रधानमंत्री के स्तर पर इसका निर्णय नहीं होगा। ये वहाँ जो फील्ड में है, जिन पर पत्थर चल रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वो चलाएं कि न चलाएं। एसपी सिंह साहब, आपकी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए थे, आपकी पार्टी के लोग का एक दल भी वहाँ जम्मू कश्मीर में गया, कश्मीर के अंदर जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है, उमड़ी शंकर अय्यर को वहाँ से भगाया भी गया। आपसे जानना चाहेंगे क्या सलूशन देख रहे हैं और क्या आपको लगता है सही दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार? देखिए, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। अगर सरकार ने कुछ करना होता तो कुछ सलूशन निकलता। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है, ये स्टोन पेल्टिंग वगैरह पहले भी हुई, लेकिन इतनी लंबी कभी नहीं चली। 2010 में 120 लोग मारे गए थे। नहीं, मारे गए थे, इतनी लंबी नहीं चली। तो आपने फटाफट निपटा दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फटाफट निपटा दिया। हो सकता है उस टाइम वो लोग भी कुछ गन वगैरह, वो लोगों ने गन लेके वो अपना हमारे आर्म फोर्सेज पर अटैक कर रहे थे, तो उन्हें रिटेलिएशन में चलानी पड़ी और फिर मरेंगे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जो विश्वास वहाँ के लोगों पे, जम्मू कश्मीर के लोगों पे, इस देश की सरकार पे था, इस देश के संविधान में था, आज क्या हो गया है? इसके डेप्थ में जाने की जरूरत है, डेप्थ में जाने की जरूरत है। देखिए, अभी ये 5% है तो आपके लिए ज्यादा आसान है, बीजेपी के लिए। देखिए, अभी दो टाउन में बीजेपी, अगर 5% है, आप ये बताइए पीडीपी की, बीजेपी की सरकार है, उन्हीं की सरकार है, अगर 5% है और दो टाउन में है तो ज्यादा समस्या नहीं जाते हैं क्यों? नहीं, देखिए, दो टाउन से एक जिला, उन दो टाउन को क्यों नहीं कंट्रोल करते? श्रीनगर जिला, अगर इनसे दो टाउन कंट्रोल नहीं हो रहे तो इन्हें जम्मू कश्मीर कहाँ कंट्रोल होगा? कंट्रोल तो देश में कंट्रोल नहीं हो पाएगा अगर देश में ऐसा हालत हो जाए। चले चले चले, विनोद पंडित से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, शनिवार को भी हमने आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, आज जो है उस दिन राष्ट्रपति से मुलाकात की गई थी डेलीगेशन की, आज प्रधानमंत्री से की गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है संविधान में रह करके सारे काम किए जाएंगे, वहां का युवा हो या फिर वहां के जो जो हमारे जवान हैं, उन्होंने कहा कि दोनों की मौत का उन्हें काफी दुख होता है। कैसे देख रहे हैं आज की इस मुलाकात को जो प्रधानमंत्री से हुई है? देखिए, अभी जो कश्मीर से जो लोग जो डेलीगेशन गया था, ऑल पार्टीज, जो हम तो कह रहे हैं कि जो एक कश्मीर का एक सेक्शन, क्योंकि उनके सामने सिर्फ कश्मीर का जो रहने वाला जो वहां के जो सुन्नी मुस्लिम है वही कश्मीरी है, जो मैंने कल भी आपको परसों भी वर्णन उस चीज का किया है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो डेलीगेशन कश्मीर से आया हुआ मिला है, हम तो कई बार कह रहे, मैंने कल भी कहा कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो सबसे भारतीय हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश और भारत के लिए कुर्बानियां दी है, कई बार दी है, क्या प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आज हमारी एक बैठक थी जम्मू में हमारे कश्मीरी पंडित लीडरों की, जिसमें हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, 2-4 दिन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं राजनाथ सिंह को और प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी जी हमें मुलाकात दे देंगे? आज जो हमारे जख्म है, जो 26 साल से पाकिस्तान अलगाववाद ने, इन कश्मीरी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने, हुर्रियत ने हमें जो जख्म दिए है, जो हमारे 1,500 बच्चे, और आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल रात इसी प्राइम मिनिस्टर सोशलिस्ट पीएम पैकेज के तहत
एक बच्चे का जो आपको पता होना चाहिए पूरे देश को, और जो भी प्राइम मिनिस्टर में कौन है मुझे नहीं पता है, कि उस बच्चे का जो 31 साल का लड़का था राकेश, कल रात उसका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि उसको सैलरी भी 3 महीने से नहीं मिली है, जो हम आंदोलन पे बैठे हैं फ्रॉम लास्ट 40 डेज, और उस कारण वो इलाज नहीं कर पाया, हार्ट अटैक हो गया, वो उसका देहांत हो गया, और आज हमने उसका क्रिमिनेशन किया है। महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं पुष्पेंद्र, क्या वजह है कि ये जो एक बड़ा एक फैक्टर है कश्मीर में कश्मीरी पंडित, उससे मिलने के लिए एक जो विनोद पंडित हैं कह रहे हैं कि हम लगातार लिख रहे हैं, गृह मंत्री को लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उनसे नहीं मुलाकात की जा रही है। आखिर में कश्मीर की जो भी समस्या है, अगर हम सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे तो एक बड़ा फैक्टर कश्मीरी पंडितों का भी है, उनसे क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे यहाँ एक बात तो आप समझ लें, इलोम शर्मिला पिछले 16 साल से बैठी थी अनशन पे, उन्होंने तो कोई गोली नहीं चलाई थी, उन्होंने तो कोई पत्थर नहीं फेंका था, और वो अनशन कर रही थी। उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया कि उनके साथी भी साथ छोड़ गए, और उस अनशन से कोई नोटिस भी नहीं ले रहा था। हमारे यहाँ एक साइक बन चुकी है सरकार की, और खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उनको लगता है कि जो आपके अपने हैं, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उससे मिलने का वक्त नहीं होता। ये जो विनोद पंडित साहब कह रहे हैं, ये इसलिए सही कह रहे हैं, मुझे याद है 6 महीने पहले पंडितों का एक दल यहां आया था, राजनाथ सिंह के घर पे 2 घंटे तक बैठा रहा, राजनाथ सिंह गेट से निकल गए और अपने एडीसी से कह गए इनसे बात कर लीजिएगा। तो सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला, यूसुफ तारागामी, हकीम, ये तमाम सारे लोग हैं, इससे भारत सरकार को लगता है हम नहीं मिलेंगे तो हमारी तथाकथित सेकुलर इमेज पे असर पड़ेगा। लिहाजा कश्मीरी पंडित सड़कों पे घूम रहे हो, जंतर मंतर पे घूम रहे हो, यहां आपके सामने जो INA बिल्डिंग है उसके बाहर घूम रहे हो, उनकी जो भी स्थिति हो उसके बारे में इस देश की सरकार को, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे। 2 साल निकल चुके हैं, कोई 16-17 महीने हो गए, जो एजेंडा ऑफ अलायंस था भारतीय जनता पार्टी का, उस एजेंडा ऑफ अलायंस में था कि जो लोग वहां से भाग के आए हैं उनको आप वहां बसाएंगे। आज तक जैसे ही यहां से एक बात कोई शुरू करता है, कश्मीर के अंदर खूनंदेजी की बात होती है, लोग कहते हैं कि अगर इसको इंप्लीमेंट किया तो सड़कों पर खून बहा देंगे, और ये बहादुर और बीजेपी की सरकार खामोश हो जाती है। तो विनोद पंडित जो कह रहे हैं वो इसलिए सही कह रहे हैं कि 44 दिन का कर्फ्यू पूरे देश में सबको नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री को भी नजर आ रहा है, गृह मंत्री को भी नजर आ रहा है, लेकिन 40 दिन से इन आतंकवादियों के और पत्थर फेंकने वालों की वजह से जो वहां हिंदू भाग करके आ गए हैं वो नौकरी पे नहीं है, उसमें मौत भी हो गई है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेना चाहता, और यही मीडिया की हालत है। लिहाजा मुझे लगता है कि जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, आप बंदूक नहीं उठाएंगे, कोई सरकार आपकी बात नहीं सुनती है। 1500 लोग जब शनिवार को बातचीत हुई थी विनोद जी आपसे, तो आपने कहा था कि जिस दिन बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ वहां से 1500 कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। क्या आप लोग, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपने कोशिश की गवर्नमेंट से बात करने की, कुछ अपनी तरफ से प्रयास करने की, क्या रिस्पांस आपको मिला इस पूरे घटनाक्रम? जैसे राकेश कौल की जो डेथ हुई है कल रात को, क्योंकि ये पीएम पैकेज के तहत ही कश्मीर गया था, और 40 दिन से जो आंदोलन हम कर रहे हैं कि इन बच्चों को यहाँ एडजस्ट किया जाए और इनको सैलरी रिलीज की जाए, और इसका, और ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, एक ही बच्चा था उनका, और वो फैमिली अब तबाह हो चुकी है। और नंबर एक, नंबर दो, हमने जंतर मंत्र से 10-15 दिन पहले एक जबरदस्त हमने डेमोन्स्ट्रेशन की, परसों भी की, और यहाँ भी कंटिन्यूसली है, और प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह को हमने मेमोरेंडम भी दिया है, और उनको पुछवा भी दिया मेमोरेंडम, इंटेलिजेंस एजेंसी से, और भाजपा के उन्होंने कुछ नेता, कुछ MLC विधायक हमारे पास भेजे, हमने कहा कि भाजपा की अगर सरकार है तो उनके मंत्री क्या सोए हैं, उनके ब्यूरोक्रेट सोए हैं, कि वो मिनिस्टर सिर्फ अलगाववादियों से मिलते हैं, अलगाववादियों के सपोर्टरों से मिलते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी से, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राजनाथ सिंह से कि कल जब हम अप्लाई करेंगे आपसे मुलाकात के लिए, जिस तरह आपने कश्मीरी सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरों को अपॉइंटमेंट दी, क्या इन देशवासियों को अपॉइंटमेंट देंगे, क्या आप हमसे मिलेंगे, क्या ये देश के प्रधानमंत्री हमसे मिलने के लिए तैयार है कि नहीं है? और ये बार बार ये कह रहे हैं, बीजेपी गलत घोषणा आ रही है कि कश्मीरी में कई लीडरशिप है, लेकिन अलगाववादियों में जो पाकिस्तानी उग्रवादी है उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। हाँ, बहुत बड़ी विडंबना इस देश के साथ है कि कुछ कॉर्पोरेट सेक्टरों में काम करे कश्मीरी पंडित, उनके साथ ये दिल्ली में उनको लीडरशिप करार देते हैं, जो ग्राउंड लीडरशिप है, जो आज 13,000 बच्चे यहाँ करने पे, बल्कि 26 तारीख
विनोद जी, आपकी आवाज हम कोशिश कर रहे हैं जैन टीवी के माध्यम से आपको मंच देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी बात को सरकार सुने, इसीलिए हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उपेन्द्र जी, एक जो अभी विनोद पांडे जी शिकायत कर रहे थे कि आप सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा फैक्टर है इसको लेकर के आप कश्मीर में चुनाव में जब गए थे तो बड़ी बड़ी बातें जिनके बारे में की गई थी, अब उनके बारे में चर्चा करना तो दूर, उनसे ही बात नहीं कर रहे हैं। अब ये तो पुष्पेंद्र जी बतला चुके हैं इस तरह का रवैया क्यों सरकार को रहता है। और एक हमें समझ में आ रहा है कि सरकार है जो अभी फायर फाइटिंग कर रही है, उसको लग रहा है कि जो आग लग रही है उस पर ध्यान दो, अगर कोई कराह रहा है कहीं कुछ हो रहा है तो उसको छोड़ दो। तो ये उनको लग रहा है कि अभी जो कश्मीर है इसमें अभी जो फौरी समस्या है वो पत्थर फेंकने की समस्या है, कर्फ्यू है उसकी समस्या है, पेलेट गन चलाया जा रहा है उसकी समस्या है, इसको वो समझते हैं कि ये भी आग लगी हुई है, तो इस आग लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करो या कम से कम दिखो कि हम इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कारण जो दूसरे मामले हैं उसको माना जाता है कि पुराना मामला है, लिंगर कर रहा है, लिंगर करता रहेगा, 25 साल से चल रहा है, 26 साल से आगे और चलने दो उसको, उसी क्रम में उसका समाधान करेंगे। लेकिन वो असली है जो फायर फाइटिंग की जो प्रॉब्लम होते नहीं है कि आप कुछ करते नहीं है, जो बड़ी समस्या दिखाई पड़ जाती है, पूरा जो मीडिया उसको दिखला रहा है या वर्ल्ड जिस पर रिएक्ट कर रहा है, पड़ोसी जिस पर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको दूसरे लोग इशू बना रहे हैं, जैसे कश्मीर का जो पंडित है उसके मालूम को दूसरे लोग इशू नहीं बना रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं आप दिखला रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया का बड़ा वर्ग या दूसरे कोई और जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब मामलों को उठाती तब सरकार को लगता है कि वो भी समस्या है। तो ये जो असली है कि क्या फोकस जो सरकार कर रहा था, अभी एक अलग किस्म का फोकस है और उसी पर है कि ये की जा रही है। यशवी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय तक देश पर उसने शासन किया है, जो कुछ हमने हासिल किया है उसका भी क्रेडिट जाता है, जो हाथ चुके हैं उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और कश्मीर एक ऐसी समस्या है जिसके लिए आपकी सरकार का ज़्यादा योगदान रहा जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फैक्टर को पे आप ना, जब आप अभी भी और जब आप सत्ता में थे तब भी, क्यों नहीं इस फैक्टर को आप एड्रेस करते हैं? वहाँ से इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, बीच बीच में कोशिश करके जो लोग जा भी रहे हैं उनको जो उनको भी भगाया जा रहा है, 1500 लोगों को जो है भगा दिया गया, जो उसी दिन बुरहान वाली एनकाउंटर जी, जो पंडित इस बीच में गए थे वो डोडा मैसेकर हुआ उसमें 22 पंडितों की हत्या कर दी गई थी, ये अलग से जो लोग भागे हैं जब दोबारा जाने लगे थे उस दौर में कश्मीर में 22 पंडितों को मार दिया वैली के अंदर। तो सवाल यह है कि चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो, किसके भरोसे पे वो पंडित जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मारा है वो पड़ोसी वहां मौजूद हैं। सिंह साहब जवाब दीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप विपक्षी पार्टी हैं, आप क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप सिर्फ एक ही वर्ग की आवाज क्यों उठा रहे हैं? देखिए, कश्मीरी पंडितों का जो मसला है इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत सीरियस मसला है, उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि रही है, और वहाँ से वो लोग भगा दिए गए, पीछे भी कोशिश हुई उन लोगों को वहाँ में कॉन्फिडेंस पैदा करने के कि वो लोग आए वहाँ जा अपने मकानों में रहें अपने बसें, और काफ़ी लोग गए भी उनको फिर भगा दिया। हाँ, अभी जो भागे हैं, क्या है कि मसला जो सबसे बड़ा है वो यही है कि वो लोग गए, कुछ लोग और जब बीजेपी की सरकार आई कुछ लोग और गए कि शायद ये कश्मीरी पंडितों का हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जैसा उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप कश्मीर का जब जिक्र करते हैं तो उसमें आपने किसने कहा कश्मीरी पंडितों का मसला हमने फैक्टर है? आप ये समझिए, कश्मीरी पंडितों का मसला कैसे नहीं उठाया? आज जितने भी कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ जो भी उन्हें जो भी असिस्टेंस मिली है, जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस की देन ये है कि वो सारे के सारे अपने घर छोड़ के भाग गए, जिस भी नौकरी पे थे घर भी छोड़ दिया उन्होंने, तो भी उन्हें सैलरी मिली, तो जो भी दूसरे भी फायदे थे वो भी मिले, उन्हें पूरी असिस्टेंस दी है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या है कि ये कम्युनल इशू है, और कम्युनल इशू में माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाला मसला है। इनको जब तक खास प्रोटेक्शन, जैसे बीजेपी वाले ने कहा, मुझे लगता है जुमला था कि इनको वहां जाके बसाएंगे सब, और उस चक्कर में आगे उनको वोट भी किया, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो भी एक जुमला निकला है। अब अगर नहीं है तो उनको जाके बसाएं वहां, किसने मना किया? इतनी लंबी चौड़ी वैली फैली है, कहीं भी एक टाउनशिप बना दें इनके लिए। आपके लिए कश्मीरी पंडित का मुद्दा नहीं है? नहीं, हमारे लिए भी मुद्दा है, वो भी देश के नागरिक है, किसने का मुद्दा नहीं? छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, विनोद जी आप बने रहिए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके हम लौट रहे हैं, ये चर्चा लगातार जारी।
घंटा चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर तीन जिलों के अंदर बने हुए हैं, उसको लेकर के एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टी का आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की उन्होंने, उससे पहले राष्ट्रपति से भी मुलाकात की गई थी। क्या कुछ इसका हल है, किस तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हम कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद पंडित जी श्रीनगर से हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, लेकिन आपसे ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है कश्मीरी पंडितों को करके, या ओवरऑल जो दो तीन जिलों के अंदर स्थिति बनी हुई है, यहां से क्या स्टैंड होना चाहिए भारत सरकार का, राज्य सरकार का? जो सिचुएशन है उसको ऐसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए, किस तरीके से जो है हैंडल करना चाहिए, क्या सजेशन आपका रहेगा? देखिए, फौरी तौर पे अगर आप मुझसे मांगते हैं कि कश्मीर के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है और जिन लोगों ने इसको उलझाया है बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन मैं फौरी तौर पर यह कहूंगा कि जो तीन जिले हैं जहां मात्र 5% मुसलमान वैली का, जिसमें 99% सुन्नी है, और वो वहाबियत से, इस्लामियत से और जिहादियत का जो नारा लगाया हुआ है उन्होंने, वहां हेट हिंदू चल रहा है मामला, वहां आजादी वाजादी नहीं है कोई, वहां कश्मीरियत का मतलब है नॉन मुस्लिम से छुटकारा। मेरा मानना है कि सरकार वहां पहुंच गई है जहां से सरकार को नीचे नहीं आना चाहिए और ये प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को पिछले 20-25 साल से यरगमाल बना रखा है, उसका अपहरण कर लिया है, बंधक बना लिया है। लिहाजा सरकार को इनका इलाज इसलिए करना चाहिए कि अगर आप किसी कारण से, जो उनके पैरोकार राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अगर ये प्रेशर टूट गया, तो ये वो लोग हैं जो खुले तौर पे कह रहे हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों को यहां भेजा गया तो हम सड़कों पे खून की नदियां बहा देंगे, और वहां ना राज्य सरकार और ना केंद्र सरकार उनको पकड़ नहीं रही है। मेरा मानना यह है कि जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को और एक्सलरेट करना चाहिए और चुन चुन के उस आतंकवादी को जो भारत के विरोध और पाकिस्तान के एजेंडे पे वहां हालात खराब कर रहा है, बगैर किसी रहम के उनको सीधे तौर पे मारना चाहिए। अगर कुछ टेंशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा। आपको याद होगा कि हमारे पंजाब के अंदर क्या हुआ था, पंजाब के अंदर आतंकवादियों को बुलेट फॉर बुलेट हुआ था कि नहीं हुआ था, कौन सरकार थी कौन नहीं थी ये विषय नहीं था, लेकिन आप ये मानेंगे कि उसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। जब इतना बड़ा आतंकवाद का मामला होगा तो कुछ बेकसूर मारे जाएंगे, लेकिन उन बेकसूरों से बार बार प्रधानमंत्री और राजनाथ ये अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, आप सड़कों पे निकल क्यों रहे हैं, आप पत्थर क्यों मार रहे हैं, आपका 5 साल का या 11 साल का बच्चा पत्थर मारने वालों के सामने क्यों शामिल है। मेरा मानना है कि आर्मी को, जो काम आर्मी कर रही है उसको और तेजी लानी चाहिए, और जिन लोगों को बातचीत का शौक है वो बातचीत भी करें, लेकिन भारत सरकार इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान के पेड एजेंट सैयद शाह गिलानी, चाहे यासीन मलिक, अब्बासी, इनके सामने नहीं झुकना चाहिए और इनको आइसोलेट कर देना चाहिए इस बार। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि जो अभी कार्रवाई चल रही है उस मौजूदा तौर पर कश्मीर का सलूशन यही है, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वो एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। आपकी टिप्पणी इस मामले पर, क्योंकि अब इस हम दूसरे विषय पर जाएंगे, तो आखिरी टिप्पणी आपकी इस विषय पर, क्या सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है? विनोद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। आपसे 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 मैं समझना चाहूंगा उपेंद्र जी, आप यहाँ पे, आपको लग रहा है कि यही जो अभी चल रही है स्थितियां, इसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? शनिवार को भी आपने कहा था कि इस चीज को जो है और ज्यादा गर्माने की जरूरत है। सरकार ने जो कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई की है, उसका असर सामने आया है। 22 जिलों में डिस्टर्बेंसेज थे, वो अब डिस्टर्बेंसेज घट के 3 जिलों में आ गए हैं। 3 जिला में भी, 2 जिले के 2 टाउन में है, पुलवामा अनंतनाग टाउन है वही है, बाकी और सब उन दोनों जिलों में भी आज सब जगह शांति है, नॉर्मल है सब कुछ। श्रीनगर में, श्रीनगर के बाहर जिले में दूसरे इलाके में भी है, तो जिला के रूप में श्रीनगर जिला और उसके बाद पुलवामा और अनंतनाग यही अभी चल रहा है, तो ये बहुत कम हुआ है। तो सरकार थोड़ी और कड़ाई दिखलाई, हमने कहीं उसको मारना चाहिए, लेकिन सरकार को कहीं भी नहीं दिखना चाहिए कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, या जो हमने शक्ति दिखलाई है उस शक्ति को लेकर के हमें कुछ अपराध बोध है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। और ये भी दिखाना चाहिए अगर समस्या फिर बिगड़ती है तो हम फिर सख्त हो जाएंगे। तो मैं तो मारने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक शक्ति दिखानी चाहिए और मैसेज भी जाना चाहिए।
लेकिन जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं, आपको लगता नहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? गिरफ्तारी हुई होगी, ये हम कैसे जो अलगाववादी हम बैठे बैठे माने गिरफ्तारी नहीं हुई होगी? जो अलगाववादी नेता उनको घरों में नजरबंद कर रखा है। मेरा इशारा उन्हीं की तरफ था, गिलानी से लेकर के तमाम लोग जो कहते हैं कि चाहे आशा द्राबी हो जिनसे हाफिज सईद बात कर लेते हैं, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, ये लोग के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर नजरबंद करना चाहिए। आपको लगता है देश के दूसरे हिस्सों में जेल में डालना चाहिए इन्हें? देखिए अब सरकार अब क्या कर रही है, क्या उसका फीडबैक आ रहा है, यहाँ पर स्टूडियो में बैठे बैठे हमें सब उतनी सारी जानकारियाँ नहीं, इतनी जानकारी सरकार के पास है तो हमें थोड़ा बहुत उस पर विश्वास करना चाहिए। अपने तरफ से उनको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत सारे एंगल्स हैं। कश्मीर में सिर्फ एक ही एंगल नहीं है, 10 एंगल है, 12 एंगल है, उसको कुछ दिखलाने के लिए करना पड़ता है, कुछ मान लिया फिर किसे बातचीत करेंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर बैठे हुए हम लोग नहीं समझ सकते। तो जिस बात को हम लोग समझ नहीं सकते हैं वो हमें लगता है उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी करना ठीक। एसपी सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत लंबे समय से उलझा हुआ विषय है, लेकिन फौरी तौर पर मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है 2-3 जिलों के अंदर जो स्थिति है उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए और सख्ती दिखानी चाहिए सरकार की तरफ से कि कम से कम आप अगर हमारे सेना के लोगों पे हाथ नहीं लगाएंगे, जिस तरीके से शुरू में हमने देखा किस तरीके से सेना आर्मी कैंप के ऊपर हमला करने लगे थे कुछ लोग? देखिए ये जो 3 जिले हैं ये मेजर जिले हैं, लगभग 30-35% पॉपुलेशन जो है कश्मीर की इन 3 जिलों में ही है और ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जिले हैं। भाई टोटल पॉपुलेशन का 7.5% है साहब, डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली हो या नहीं हो पूरा आपको पता ही नहीं है कि कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? नहीं मैं वैली की बात कर रहा हूँ, मैं वैली की बता रहा हूँ, कश्मीर का मतलब वैली की बात कर रहा हूँ, कितनी पॉपुलेशन है वैली की? 1/3 पॉपुलेशन जो है इन ये डेंसली पॉपुलेटेड जिले हैं। ओहो, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि वैली की पॉपुलेशन बता दीजिए आप। वैली की पॉपुलेशन लगभग 18 लाख के आसपास है। मैंने वही कहा कि आपका थोड़ा सा फैक्चुअल ज्ञान कम है। वैली की टोटल पॉपुलेशन 69 लाख है, 69 लाख है वैली की पॉपुलेशन तो, और जमीन का टुकड़ा 15% है उनके पास, उससे ज्यादा 26% का इलाका जो है वो जम्मू है और 59% इलाका जम्मू कश्मीर का ले है। मात्र 15% के ऊपर ये जो लोग हैं ये मात्र 7.5% लैंड एरिया पे हैं और पॉपुलेशन का 5% है। किस पॉपुलेशन का? घाटी के पॉपुलेशन, घाटी की पॉपुलेशन का 5% है ये। नहीं ये जो जिले हैं, हमें इन्हीं जिलों की बात कर रहा हूँ, ये जो श्रीनगर जिला, चलिए इससे आगे पॉपुलेटेड जिला है, चलिए ठीक है आंकड़ों पर। और सारा जो मैसेज जाता है ये मेनली जो श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से जाता है, ये एक मेजर इशू है। दूसरा क्या है कि जहाँ आपने ये पूछा कि यहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए, मेरा मतलब मानना ये है अगर हमारी जितने भी फोर्सेज अगर उन पर अटैक होना चाहिए तो वी हैव टू उनको उसका जवाब तो हमें देना चाहिए, बिकॉज हमारी वो सॉवरेनिटी पे हमला है हमारे देश के, जो अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएँ भाग जाएँ वहाँ से, ऐसा नहीं है। ये सब सेपरेटिस्ट फीलिंग वाले लोग हैं और इन सेपरेटिस्ट फीलिंग वालों को उनको जो देश के साथ हैं उनको प्यार से बात करनी चाहिए, जो सेपरेटिस्ट हैं उनको टफली पे वो करना चाहिए। पुष्पेंद्र जी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नई चीज पता है, ये सैयद शाह गिलानी के बारे में 2 लाइन मुझे बोलनी है। ये अपने आप को ये कहता है कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड लैंड, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया। ये इतना मुनाफिक आदमी है कि इसकी आप स्थिति देखें कि इसका एक बेटा रावलपिंडी में डॉक्टर है, इसकी बेटी एक जद्दा में है और ये शख्स 1972, 1977 और 1987 में उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा का एमएलए रहा है, लेकिन दुनिया को यह सच्चाई नहीं बताता है कि जब से इसको हार मिली तब से इसने भारत के विरोध में और पाकिस्तान की सपोर्ट में और ये डिस्प्यूटेड एरिया ये शुरू कर दिया। तो इन तथाकथित हुर्रियत पसंद लोगों को, आजादी पसंद लोगों की आजादी का भी चर्च पड़ताल होनी चाहिए कि इनके तार कहां मिले हैं और ये क्या माजी में करते रहे हैं और ये क्यों इन्होंने आज झूठ बोलना शुरू किया है। आप राजनीति में अलग थलग हो गए तो आपने हथियार उठा लिए और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वो है सैयद शाह गिलानी। इन पर भी एक्शन होना चाहिए, कम से कम एक मैसेज इससे भी जाएगा, लेकिन देखते हैं सरकार वहां पे क्या निर्णय लेती है, किस तरीके से एक्शन लेती है। फिलहाल इस विषय को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन आगे जो जिस तरह जैसे जैसे डेवलपमेंट इस पूरे मसले पर होंगे लगातार हम आपको हर रोज जो है अपडेट दे रहे हैं, हर रोज इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के आपको बता दें तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। आज जो 2 मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, पहला आपको बता दें कि लगातार बीएसपी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले आर आर चौधरी हों,
स्वामी प्रसाद मौर्य हों, और अब बीएसपी को झटका दिया है ब्रजेश पाठक की तरफ से। ब्रजेश पाठक ने, आपको बता दें कि बीएसपी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया आज पार्टी ज्वाइन करने के बाद? पहले जरा वो बयान सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर यह हमें महसूस हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो केवल डेवलपमेंट और विकास के नारे पर ही हम उसको बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को, जो हिंदुस्तान का लगभग पांचवा हिस्सा है, उसको बचाने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर सभी साथियों को इकट्ठा करके और 2017 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होना चाहिए। चलिए, तो एक तो बात, बड़ा डेवलपमेंट आज का ये रहा, कितना नुकसान होगा बीएसपी को, क्या कुछ चुनाव में क्या कुछ स्थितियां होंगी, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां पर लगातार जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा है शिवपाल यादव को लेकर के, अब अमर सिंह ने भी अपने आज तल्ख तेवर दिखाए हैं। अमर सिंह ने कहा कि उन्हें उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनका, शिवपाल यादव का सम्मान नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मायने? इस बीच एक सर्वे भी आया है आज सीएसडीएस का, उसके मुताबिक आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। 151 सीट के आसपास जो है समाजवादी को दिए जा रहे हैं, 134 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को। क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, हम बातचीत करते हैं। उपेंद्र जी, आपसे शुरू करना चाहते हैं। पहले पिछड़ी जाति का झटका लगा बीएसपी को, अब एक चेहरा थे, ब्राह्मण चेहरा थे पाठक साहब, वो भी छोड़ के चले गए हैं बीएसपी के लिए, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक टाइम पे शुरुआत में कि आसानी से रास्ता, आसान रास्ता होगा जीत का उनके लिए, इस बार मुश्किलें बढ़ गई। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ओबीसी के वोटों का उससे कट जाना, जो भी 2007 में जो उसकी सरकार बनी थी, अगर 30% वोट मिला था उनको तो उसमें 10% वोट ओबीसी का था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वो शुरू हो गई कि हमारा जो सरकार बनी है, धन्यवाद दे दें ब्राह्मणों को, धन्यवाद दे दें मुसलमानों को, धन्यवाद दे दें दलितों को। तो उन्होंने जो अपना जो बहुजन कॉन्सेप्ट था माया कांशीराम का, उसे ओबीसी को बाहर कर दिया, तो उसका असर हुआ 2014 के चुनाव में दिखाई पड़ गया। ओबीसी लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, लगभग पूरी तरह से शून्य पर आ गई वो। अब फिर है कि वो उसके बाद जो घटनाएं घटी है, क्योंकि ओबीसी ने ऐसे किया कि ओबीसी के आरक्षण जो 27% का जो बंटवारा हुआ था, उन्हें सबसे बड़ी भूमिका मायावती ने निभाई थी, वही बार बार मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख रही थी। तो ओबीसी का समर्थन खोने के बाद मायावती आज उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में नहीं है कि किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत सके, वो कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। वो अकबरपुर से जीती थी, कुर्मियों के वोट से जीती थी, ओबीसी के वोट जीती थी, खास करके उस ओबीसी का जो कि एंटी यादव सेंटिमेंट्स रख रहे थे, जिसको लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव है जो यादव वाद कर रहे हैं, तो दूसरे जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने छोड़ दिया उनको। अब वो जब छोड़ दिया तो उनकी हार अब हो रही है, तो वो भी जा रहे हैं, ब्राह्मण भी जा रहे हैं, कि ब्राह्मण उनका नेचुरल सपोर्टर नहीं थे, ओबीसी उसका नेचुरल सपोर्टर था, जो बहुजन कॉन्सेप्ट था उसका हिस्सा था। फिर सर समाज करके ये आज उन्होंने सर समाज जुमले का इस्तेमाल किया पाठक जी ने, कि मायावती है जो सर समाज का आदर नहीं करते, तो उनके सर समाज का मतलब हो गया ब्राह्मण, उनके लिए बहुजन का मतलब हो गया था उनकी अपनी जाति मायावती की। तो ये जो कास्ट वाला उनका है कम्बिनेशन का जो खेल खेलती थी, अब उनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि वो खेलने के लिए भी आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। आप टिकट बेच रहे हैं, टिकट बेच बेच करके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि आपको टिकट बेचना है और टिकट उसी के पास है वही खरीदेगा जिसके पास करोड़ रुपया है, करोड़ रुपया पिछड़े वर्गों के पास नहीं है। दलितों की सीटें आप बेच नहीं सकते क्योंकि सीटें आरक्षित है, तो पिछड़े वर्गों की सीटों को उन्होंने बेचा, पिछड़े वर्गों ने छोड़ दिया, तब ब्राह्मण लोगों को भी लग रहा है दलितों की सीट दलितों को ही बेचेंगे, तो उसमें जो अमीर दलित है उसको दे देती है, लेकिन पिछड़े वर्गों की सीटों को उन्होंने ज्यादा करोड़ माने, इसके एक करोड़ में बिकेगी बिकेगा टिकट, तो ओबीसी का जो सीट है उसको 10 करोड़ में बेचेंगे। इस बार आगे कौन सी पार्टी, सीएसडीएस का जो आया है ना, आज आया है ना, मैं 10-15 दिन से यही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी रहेगी, एक मैं ये कहता था,
दूसरा मैं ये कहता था कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। ये 89 और 91 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 12 सीटें आई थी, 12 सीटें आती थी। मुलायम सिंह के साथ जुड़ करके इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म, इनकी जो बहुजन पॉलिटिक्स थी वो रंग दिखाने लगी। तो पहले बहुजन जो इसमें एससी एसटी ओबीसी मुसलमान है पूरा नहीं होता था, अब जब धीरे धीरे छोड़ रहा है तो 80 जो सीटें इसकी है उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि जो दलित है अगर कांग्रेस बहुत अच्छा से वर्कआउट करे तो दलित भी उनको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि कांग्रेस बिना आप लोग लाज आप नहीं रखेंगी, निर्लज होकर के आप टिकट बेचेंगी। पहले तो बोलती भी थी कि हाँ टिकट हम बेचते हैं, लेकिन उस समय आप वो बोलती थी हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन अब सब जानते हैं कि आपके पास अरबों अरब रुपया है। अब तो टिकट बेचने की बेच करके रुपया लेने की बाध्यता नहीं है, तो अब नहीं दावे से कह सकते कि हम टिकट बेच रहे हैं, इसमें क्या हमारा बुरा है। चले इस बीच जरा समाजवादी पार्टी से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। मलिक जहीन साहब हमारे साथ जुड़ गए। जहीन साहब, आपकी पार्टी के अंदर मामला थमता दिखाई दे नहीं रहा। पहले शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, अब जो है अब टिप्पणी आई है अमर सिंह की तरफ से, वो कह रहे हैं कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। उनके आपको भी मालूम होगा कि नेताजी का सारा मामला है समाजवादी पार्टी, बगैर नेताजी के माइनस सब घर के अंदर सुलझाना, ये सड़क पे क्यों सुलझा रहे हैं? नेताजी आप जो है मीडिया की वो है, और बाद अभी भी कुछ दिनों पहले ही चीफ मिनिस्टर ने कहा, श्रीपाल जी ने कहा कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके बाद अरे मलिक साहब शिवपाल यादव का बयान हमने अपने चैनल पे चलाया है, जहाँ वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा वो इस्तीफा दे देंगे। मुलायम सिंह यादव पब्लिक मंच से कहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुन रहे, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं। अच्छा, इसने इन्होंने कोई गलत बात कही, आप बताइए क्या गलत की बात कहता हूँ, जो मंत्री जो है वो नहीं सुनते बात, वर्कर की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वोट जो है वर्कर लाता है। तो अपने मंत्रियों को सही कीजिए, इस्तीफा क्यों देंगे शिवपाल यादव? अब तो अमर सिंह कह रहे हैं वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये मंत्री जो है सही बात है, मंत्री बनने के बाद ये काम लोगों को नहीं करते, नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है नेता जो काम नहीं कर रहा उसको इस्तीफा देना चाहिए ना। मलिक साहब मंत्री आपकी पार्टी ने बनाया, जो काम नहीं कर रहा उसे हटा दीजिए। इस्तीफा शिवपाल यादव क्यों देंगे फिर? इस्तीफा अमर सिंह क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा मंत्रियों से लीजिए, मंत्रियों को निकाल दीजिए। ये तो कुतर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अभी इस चुनाव में 2017 को लेकर के आपको लग रहा है आपकी पार्टी जो है अपनी लाज बचाने में कामयाब होगी? क्योंकि अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक, अगर आपके पास समय हो तो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, इतना समय नहीं है, बहुत बहुत संक्षेप में अगर आप कुछ कह सके, क्योंकि बाकी मेहमान भी है। जी, आप कर लूं तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है, कैसे समाजवादी पार्टी कैसे पावर में आएगी। नहीं नहीं, वो आएगी, वो बताइएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि आएगी राष्ट्रीय चैनल पे, आप अपना प्लान ना बताएं, घर में बताएं अपना प्लान क्या है। दूसरी बात ये है कि मायावती के पास सिर्फ अकेला वोट है, जिसको जो है शिरूर का कोच है। मलिक साहब अपने परिवार का झगड़ा बताएं, राजनीतिक एनालिसिस ना करें, ये इसका समय नहीं है आपसे। चलिए चलिए चलिए, आप बताएं कि आप एक दूसरे की टोपी क्यों उछाल रहे हैं? बीएसपी में है, जवाब दीजिए मलिक साहब जी, बताएं। जी सवाल सीधा सा है, समय कम है, मैं चाहूंगा सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए आप कि ये पब्लिक सार्वजनिक मंच से जो है एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप आपके नेता जो कर रहे हैं, वो चाहे अमर सिंह हो, वो चाहे शिवपाल यादव हो, या फिर मुलायम सिंह यादव को भी कोई बात मीडिया से करने, मीडिया के सामने करने की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ पोस्टरिंग कर रहे हैं? बात मैं आपको बता दूं, पहले डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व, समाजवादी पार्टी का जो कोई मतलब सिर्फ नेताजी का मामला है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं। वही बात मैं भी मानता हूँ, आपको भी कहूंगा वही बात माने होंगे। धन्यवाद, आप लोग मानिए और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ वही डिसाइड करते हैं, तो ये भी एक तरीके का डिक्टेटरशिप है। आपसे जानना चाहेंगे सुपी सिंह साहब, कांग्रेस की स्थिति कैसी है? पहली बार आप लोग बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं बहुत लंबे समय बाद, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन अभी सर्वेज में आप जो है तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे जाते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पांचवे तो नहीं और चौथे भी नहीं, हम वहाँ सरकार बनाएंगे और ये नंबर वन रहेंगे, फिर आप पांचवे से शुरू कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप तो बहुत पीछे, हम एक नंबर पे आएंगे और अभी बहुत समय है, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी अपने पूरे जोर शोर से इलेक्शन लड़ेगी और लोगों को विश्वास होने लगा पूरे देश में कि कांग्रेस ही है जो इस देश को ढंग से चला सकती है। उत्तर प्रदेश नहीं, वही मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में,
उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही वहां विकास रहा, उसके बाद क्या हाल हुआ है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं। अब वो ये सोचने लगे हैं, जानने को मजबूर हैं कि काश वो पुराने दिन आने जा वापिस आ जाए। और इसलिए इस बार जो सरकार आएगी वो कांग्रेस की सरकार आएगी। आप देखिए कांग्रेस नंबर वन पे होगी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। शीला जी आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगी, पुष्पेन जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी अगर सर्वे को एक सवाल मेरा ये है कि उसमें दिखाई दे रही है हंग असेंबली, समाजवादी पार्टी नंबर वन, बीजेपी नंबर टू, बीएसपी नंबर थ्री, कांग्रेस नंबर फोर, ये सर्वे की बात है। दूसरा ये जो जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है बीएसपी के अंदर, जिस जो घटना आज घटी है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो है बयानबाजी चल रही है, इसका फायदा आपको लगता है बीजेपी को होगा क्या? देखिए दो तीन चीजें साफ हैं। एक मेरी बॉटम लाइन लगातार मैं इस बार के जो यूपी में चुनाव हो रहा है उसमें मुझे एक बात जरूर लगती है कि कांग्रेस पार्टी जो चौथे नंबर पर है वहां इस वक्त आज के डेट में, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है, सीएसडीएस वालों को इतनी जल्दी क्यों है कि छह महीने पहले इन्होंने बताना शुरू कर दिया? पेड़ है, पेड़ वही मैं कह रहा हूँ, आपकी सरकार बन जाए तो पेड़ नहीं होगा। चलिए ठीक है, अभी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में गेन करेंगी, और ये बात जो आ रही है हंग पार्लियम उसकी असेंबली की, इसको मैं कुछ हद तक इसलिए मानता हूं कि दोनों नेशनल पार्टी इतनी गेन करेंगी कि ये जो दो क्षेत्रीय दल हैं सपा और बसपा, ये अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आने वाले हैं। ये मुझे एक बड़ा चेंज नजर आता है। लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मौजू उठाया कि वहां समाजवादी पार्टी के अंदर अमर सिंह से नाराज हैं, अमर सिंह नाराज हैं किससे, आप ये देखें कि बेहयाई देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की। इनका एक दंगाई मंत्री जो है वो टेलीविजन पे कहता है कि चुनाव होने वाले हैं, हमारे विरोधी हैं, इसलिए वो रेप करा रहे हैं। उसकी बेशर्मी और बेगैरती का पराकाष्ठा देखिए। एक ये जहीन मलिक साहब आए हैं, नाम तो इनका जहीन है लेकिन पता नहीं कहां इनकी जहनत चली गई है। ये कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, जो कपड़े एक दूसरे के मीडिया के सामने अब्बा और बाप, बेटा चचा, भाई भतीजे उतार रहे हैं, ये कह रहे हैं ये मीडिया कर रहा है। मीडिया किसके कपड़े उतार रहा है? तो इनको लगता है कि कोई बात मीडिया न करे, जो ये गंदी संदी बातें बताएं पब्लिकली, इसको वो समझाने में आते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो समझे। लिहाजा जो सीएसडीएस का जो आपने बात कही है, इसको मैं पूरी तौर से इसलिए खारिज करता हूं कि हमारे चैनलों में पहले से पहले अट्रैक्ट करने के लिए अभी जो रेवड़ी बांटी है इसमें सपा को नंबर वन दे दी है रेवड़ी, वहां से जो पेमेंट और इंस्टॉलमेंट आया होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नंबर टू पे है, नंबर टी पे बीएसपी हो गई है, कांग्रेस पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है, खर्चा चलाने के लिए पैसा कम है उन बिचारों के पास, वो पेमेंट नहीं कर पाए हैं। अभी देखिए छह महीने के अंदर ये कितनी करवटें लेंगे और किस किस को हराएंगे, किस किस को जिताएंगे। छह महीने पहले कोई इस देश के अंदर मूड बनाता है अपना वोट डालने का? ये तमाम सारी दुकानें जो है अगले छह महीने तक चलेंगी, इसको जिताएंगी, इसको हराएंगी। और दूसरी बात, अभी आगरा की रैली में आप देखिए, आगरा की रैली में मायावती ने इस पूरे इलेक्शन को बसपा बनाम बीजेपी करने की कोशिश, उन्होंने सारा हमला जो है बीजेपी के ऊपर तोड़ा है और बीजेपी सारा हमला सपा पे कर रही है। तो सवाल यह है कि बीएसपी कांग्रेस पे नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने अभी राज्यसभा में कपिल सिब्बल एंड कंपनी को जिताने में मदद की, अभी उनकी सरकार उत्तराखंड में थी वहां मदद की, तो कुछ कुछ कार्ड खुल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर मुलायम सिंह ने कहा कि जब मैं देश का रक्षा मंत्री था तो मैंने ही फाइल कराई थी फोर्स की गायब, ताकि कांग्रेस पार्टी को वो कट टू द साइज करते। तो राजनीति का हर आदमी अपना अपना चाल शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, आने वाले समय में किस तरीके से चीजें बदलती हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक का मामला देखें तो कल मायावती की रैली लखनऊ में, आगरा में थी, और आगरा में ब्रजेश पाठक उनके साथ बैठे हुए थे, आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इसलिए मायावती रैली सोच समझ के करें कि कहीं परसों कोई और ना बटर चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी आपका, उपेन जी आपका, एसपी सिंह साहब आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटनाचक्र में इतना ही, नमस्कार।